ये आईपीएल है जनाब, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। अब आप खुद ही देख लो, जिस टीम को सबसे पहले एलिमिनेट होना चाहिए था वो टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस के लिए बनी हुई है, और जिस टीम को अब तक क्वालिफाई कर जाना चाहिए था वो भी 2-3 मैच रहते वो अभी भी क्वालिफिकेशन के लिए तरस रही है। अब आईपीएल 2024 का रोमांच ही कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे हर टीम जीतने को तरस रही है, या यूं कहे तो क्वालिफिकेशन के लिए तरस रही है। मतलब आईपीएल 2024 का रोमांच जब अपने अलग लेवल पे जा पहुंचा है, और आईपीएल 2024 अभी तक मात्र 2 ही टीम क्वालिफाई हुई है और 2 ही टीम एलिमिनेट भी हुई है, मतलब बाकी 6 टीमों में कड़ी टक्कर देखने को हमें मिल रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी, क्योंकि सिनेरियो तो काफी कुछ कह रहा है, बट यहाँ पे कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और अब यहाँ से जितने भी मैचेस हो रहे हैं, या फिर कहे तो 2-3 दिन पहले से जितने भी मैचेस हो रहे हैं, सब डू ऑर डाई मैचेस हैं। यहाँ पे अगर कोई भी टीम एक मैच हार रही है तो आरसीबी की क्वालिफिकेशन की चांसेस बढ़ रही है। और आपको बता दें कि आरसीबी वो टीम है जो कि आईपीएल 2024 से सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बताई जा रही थी, और बताई भी क्यों ना जाए, क्योंकि आरसीबी का परफॉर्मेंस हमें फर्स्ट वीक में देखने को ही कुछ ऐसा मिला था। मतलब आरसीबी वालों ने 8 मैचों में 7 मैच हार गए थे, उसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीत कर सनसनी मचा दी। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। दरअसल कल आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला खेला गया, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ। इस मुकाबले में टॉस तो गुजरात टाइटंस हार गई, बट मैच तो वो जीत गए। मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर भी मैच नहीं जीत पाया, और उनके लिए अब प्लेऑफ की चांसेस और भी कम हो गई, और चांसेस काफी टफ हो गई है। अगर वो आने वाले अपने 2 मैचेस नहीं जीतते हैं तो फिर वो क्वालिफिकेशन की रेस से लगभग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका नेट रन रेट हालांकि बाकी टीमों से तो बढ़िया है, बट अगर वो 2 मैच हार जाती है तो उनका नेट रन रेट जरूर नीचे आएगा। और बाकी के 6 टीमों में कड़ी टक्कर अब देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, एलएससी हो, आरसीबी हो, या फिर गुजरात टाइटंस हो, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स ही क्यों ना हो, इन टीमों में सबसे ज्यादा टक्कर हमें देखने को मिल रही है। अगर इन टीमों में से कोई भी टीम हारती है अपना नेक्स्ट मुकाबला तो वो टीम बाहर हो जाएगी, या यूं कहे तो यहां से अब सभी मैचेस नॉकआउट मैचेस हैं, खास करके इन 6 टीमों के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये अपने टीम को आगे लेकर जाते हैं। वहीं अगर बात करें कल के मुकाबले की, तो चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, और इसके जिम्मेदार उनके बॉलर्स रहे, जिन्होंने पानी की तरह रन बहाए। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें साई सुदर्शन और इस बार सुमन गिल नजर आए। मतलब इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के सामने गुजरात टाइटंस ने एक नई ओपनिंग जोड़ी को रखी, और इन दोनों ने क्या ही शानदार, भाई साहब क्या ही शानदार बल्लेबाजी करी, और इन्होंने ओपनिंग साझेदारी ही 210 रनों की कर डाली, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स ने शतक लगा दिया। अब चेन्नई की टीम तो पहले ही मैच से बाहर हो गई थी, और सभी को उम्मीद था कि अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो मैच नहीं जीतेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को 35 रनों से हार गई, जिसके बाद आरसीबी के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ, और इस मुकाबले में जीत भी गुजरात टाइटंस की हुई, लेकिन गुजरात टाइटंस के जीतने से गुजरात टाइटंस के फैंस से ज्यादा खुश आरसीबी के फैंस हैं, क्योंकि आरसीबी के चांसेस जो क्वालिफिकेशन के लिए 1% थी वो फिर 3% तक गई, और 3% से अब 18% तक पहुंच गई है। तो भाई साहब आरसीबी के फैंस में खुशी की लहर तो दौड़ने ही वाली थी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी जो उनको मिली है। मतलब अब यहां से आरसीबी अगर 2 मैच जीत जाती है और चेन्नई सुपर किंग्स 1 मैच जीतती है, तो यहां से क्वालिफिकेशन के राउंड में आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स सेम पोजीशन पे खड़े होंगे, फिर इन दोनों के नेट रन रेट को देखा जाएगा। वहीं जब गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में 231 रन बना दिए और 232 रनों का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स को दिया, तो उनके तरफ से बल्लेबाजों ने 3 रन चेज से साफ मना कर दिया। मतलब अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र की जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर नजर आई, जो कि आईपीएल 2024 में यह लगभग 4th मौका ऐसा रहा है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ओपनिंग पेयर पे छेड़छाड़ करी हो। और इस मुकाबले में भी कुछ हमें वैसा ही देखने को मिला, ना रचिन रविंद्र चले ना अजिंक्य रहाणे चले, दोनों ही एक एक रन बनाकर चलते बने। मतलब अजिंक्य रहाणे का तो समझ में नहीं आया कि सीजन उन्होंने किया ही क्या है। मतलब 1-2 मैच अगर निकाल दिया जाए तो उनका 40 से ऊपर 1 भी स्कोर में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस लेवल की घटिया बल्लेबाजी उन्होंने करी है। वहीं रचिन रविंद्र कल काफी अनलकी रहे और वो रनआउट होकर चले गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का कल खाता नहीं खुला, भाई साहब ये ऑरेंज कैप की रेस में थे और विराट कोहली के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन कल जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी करी, या यूं कहे तो चेन्नई की टीम इनके कारण ही मुश्किल में फंसी, क्योंकि इनके अलावा डेरिन मिचेल ने अच्छी पारी खेली और एक फाइटिंग नॉक खेली। उन्होंने 34 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली और इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रन बनाने की कोशिश करी। ऋतुराज गायकवाड़ के 0 पर आउट होने के बाद इन्होंने पारी को संभाला।
वहीं इनका भरपूर साथ दिया मोइन अली ने, जिन्होंने 36 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली। वहीं अगर इन दोनों की पारी को निकाल दिया जाए तो फिर इनके अलावा जिन्होंने अच्छी पारी खेली वो रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 11 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहीं पे पैसा वसूल हो गया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जीत से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी जरूरी है। ये आपको भी पता और हमें पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जीत को छोड़िए उनको सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखने को ही होती है। और कल उन्होंने 11 गेम खेले, जो कि शायद इस सीजन का सबसे अधिक, जो कि इस सीजन उन्होंने सबसे ज्यादा बोले खेली तक। और 11 गेंदों में उन्होंने 26 रन की पारी खेली, जिसमें शानदार 3 छक्के शामिल रहे और फैंस का रोमांच यहां पे देखने लायक था। और इस तरह से इस टीम का स्कोर 196 रनों पर जाके अटक गया और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में 35 रनों से पिछड़ गई। और अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 मैचेस जीतने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर एक मैच भी हारती है तो ये टीम का क्वालिफिकेशन चांस काफी कम हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम कौन सी होगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।